हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो पे हम देखेंगे किसी भी पेशेंट को रायल्स ट्यूब यानी नसों के सूक्ष्म ट्यूब के द्वारा पेशेंट को कैसे फीडिंग दिया जाता है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पिछले वीडियो पे हमने देखा है किसी भी पेशेंट को कैसे रायल्स ट्यूब इंसर्ट किया जाता है एंड रायल्स ट्यूब क्या है और रायल्स ट्यूब को क्यों इंसर्ट किया जाता है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखाया है। अगर उस वीडियो जाके नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए और आई बटन पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट पे मिल जाएगा। तो इसी वीडियो पे हम लोग कुछ भी एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएगा, हम लोग जस्ट देखेंगे किसी भी पेशेंट को रायल्स ट्यूब यानी नसों के सूक्ष्म ट्यूब के द्वारा कैसे उसको फीडिंग दिया जाता है, उसका हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी पेशेंट को रायल्स ट्यूब यानी नसों के सूक्ष्म ट्यूब के द्वारा फीडिंग के लिए जो जो आर्टिकल चाहिए वो हम लोग आर्टिकल को देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने तावल लिया है और यहाँ पे हमारा किडनी ट्रे है, जो भी वेस्ट होता है जो भी हमने यहाँ पे फेंकने के लिए, यहाँ पे हमारा क्लीन वाटर है, यहाँ पे हमारा जूस होता है अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन जो भी डाइट दिया है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे हमारा कॉटन स्वेप है और यहाँ पे हमारा 50 cc सीरिंज है एंड यहाँ पे 10 cc सीरिंज है। तो इसको हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कौन सा आर्टिकल क्यों लिया है हमने और किस जगह पे यूज़ होता है। ओके, किसी भी पेशेंट को फीडिंग देने के लिए क्या क्या आर्टिकल चाहिए, हमने आर्टिकल देख लिया है, अभी हम लोग प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले किसी भी पेशेंट को फीडिंग देने से पहले हम लोग क्या करना है, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है और हमारा प्रिस्क्रिप्शन पे चेक करना है डॉक्टर ने कितना ml के हम लोग को फीडिंग देने के लिए बोला है, 2 hourly दिया है या 4 hourly दिया है या 6 hourly दिया है, उसी को हम लोग अच्छे से चेक करके हम लोग यहाँ पे हमारा आर्टिकल रेडी करना है। तो पहला हमारा नंबर वन होता है क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन पे कितना क्या दिया है उसको हम लोग मैंडेटरी होता है हमारा चेक करने के लिए। उसके बाद चेक करके सब कुछ सामान रेडी करने के बाद हम लोग क्या करना है, अगर हमारा पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को उसी प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। अगर पेशेंट कॉन्शियस मतलब थोड़ा बहुत उसको समझ में देता है, इशारा होता है या कुछ जो भी कुछ बोलने से बहुत लोग ठीक से अंडरस्टैंडिंग करता है तो उसको हम लोग कॉन्शियस बोलते हैं, उसी पेशेंट को हम लोग प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम लोग प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्टली पेशेंट को हम लोग उठा लिया थोड़ा सेमी फॉलोअर पोर्शन पे उसको डायरेक्टली फीड दे दिया तो उसको क्या होगा, उसको अनकम्फर्ट फील होगा, उसको क्या होगा वो भी वोमिटिंग आ जाएगा, जो भी अननेसेसरी प्रॉब्लम होता है वो दिखाई देगा। तो इसलिए क्या करना होता है, फीड देने से पहले अगर पेशेंट हमारा कॉन्शियस है तो पेशेंट को हम लोग पोस्चर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको कम्फर्टेबली। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पोस्चर एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को थोड़ा सेमी फॉलर पोजीशन पे लेके आएंगे। अगर हमारा पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो कंफर्टेबली बैठ सकते ठीक से तो उसको हम लोग सीटिंग पोजीशन बोलो या उसको हम लोग हाई फॉलर पोजीशन पे पेशेंट को लेके आएंगे। तो अभी हम लोग पेशेंट को हाई फॉलर पोजीशन पे या सेमी फॉलर पोजीशन पे लेके आएंगे अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी हमने पेशेंट को पोजीशन दे दिया है सेमी फॉलर पोजीशन पे। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी पेशेंट कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, चाहे जैसा भी पेशेंट हो, कभी भी पेशेंट को फीडिंग के टाइम पे उसको लाइंग या सुपाइन पोजीशन पे कभी भी पेशेंट को फीडिंग नहीं देना है। उसी चीज़ को हम लोग हमेशा ध्यान रखना है किसी भी पेशेंट को फीडिंग देने के टाइम पे। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, पेशेंट का जो होता है रायल्स ट्यूब होता है, पेशेंट को फीडिंग देने से पहले रायल्स ट्यूब जो हमारा सही जगह पे प्लेस हुआ कि नहीं है या हमने पिछले टाइम पे जो भी फीड दिया है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टिव हुआ कि नहीं है, उसको हम लोग देखने के लिए हमने यहाँ पे 10 cc सीरिंज लिया है। किसी भी पेशेंट को फीडिंग देने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे हैंड वॉश करके हमने स्टेराइल ग्लव्स पहन लिया है। तो हमने 10 cc सीरिंज यहाँ पे लिया है। तो 10 cc सीरिंज लेके हम लोग क्या करना है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे रायल्स ट्यूब को अच्छे से प्रेस करके रखा है ताकि अगर कोई भी पेशेंट होता है क्या होता है, द्रावज होता है हार्ट के सामने रायल्स ट्यूब आने से वो लोग खोल लेता है तो उनको बाद में फिर से इंसर्ट करने के लिए तकलीफ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के हाथ पे ना पहुँचे इसलिए हमने उसको यहाँ पे अच्छे से प्रेस करके रखा है इसी रायल्स ट्यूब को। तो क्या करना है, यहाँ पे माइक्रोपोर्ट को हम लोग खोलना है, माइक्रोपोर्ट खोल के यहाँ पे हम लोग उसको स्प्रेड करके देखना है। तो स्प्रेड करने से पहले यहाँ पे जो हमारा रायल्स ट्यूब होता है तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं खोलना है, ताकि डायरेक्टली ऐसे खुलने से जब भी एयर पास होगा तो बाद में क्या होगा, यहाँ पे फिर से फीडिंग देने के टाइम पे वो अच्छे से नहीं जाएगा, यहाँ पे एयर अटका हुआ रहेगा। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग उसको इसी टिप से ऑफ करना है, यहाँ पे लॉक करना है, यहाँ पे देख सकते हो लॉक करके तभी हम लोग इसको इसके मुँह को टिप को धीरे से खुलना है, खुल के तभी हम लोग इसी जो सीरेंस होता है सीरेंस को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे स्प्रे होता है तो हम लोग क्या करना है, उसको प्लेन वाटर देंगे फीडिंग देने से पहले ताकि वो अच्छे से स्टोमक पे जाके अच्छे से डाइजेस्टिव हो जाए, नहीं तो हम लोग थोड़ा देर भी वेट करके उसको हम लोग क्या करेंगे फीडिंग देंगे तभी हम लोग स्प्रे करके देखेंगे।
ठीक है। अगर हमारा स्प्रे नहीं होता है इसका मतलब हम लोग पेशेंट को अच्छे से यहाँ पे बाबू लाते हैं, तो इसका मतलब स्टोमक पे सही से प्लेस से हमारा राइट। कभी कभी क्या होता है पेशेंट द्राज्य होता है, द्राज्य होने के बाद कभी खींच लेता है या कुछ भी होता है, तो जो हमारा राइट है वो स्टोमक से दूसरा जगह पे प्लेस होता है या वो थोड़ा बहुत निकल के आता है, तो उसी टाइम पे हम लोग पेशेंट को फीडिंग नहीं देना है, हम लोग अच्छे से चेक करके तभी पेशेंट को फीडिंग देना है। तो इसको जब हम लोग खुलेंगे, खुलने के पहले भी हम लोग इसी राइल स्ट्यूब को यहाँ पे लॉक करना है ताकि यार पास ना हो, लॉक करके तब भी हम लोग इसको खुलना है, खुल के उसको हम लोग बंद करके देना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हम लोग पेशेंट को फीडिंग देना है। फीडिंग देने से पहले सबसे पहले पेशेंट को हम लोग थोड़ा 5 ml हो या 10 ml हो एटलीस्ट हम लोग पेशेंट को प्लेन वाटर देंगे, तभी हम लोग उसके बाद पेशेंट को फीडिंग देंगे। फीडिंग क्या देंगे वो होगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस और डाइटिशियन एडवाइस, जो भी हम लोग एडवाइस देता है। कभी कभी क्या 2 hourly देता है, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ, कभी कभी 2 hourly डाइट देने के लिए बोलता है, कभी कभी 4 hourly डाइट देने के लिए बोलता है, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग पेशेंट को फीडिंग देना पड़ता है, ठीक है। तो फीडिंग देने के टाइम पे हम लोग यहाँ पे पहला 50 cc सीरिंज ले, यहाँ पे देख सकते हो पूरा खाली है हमारा सीरिंज, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे टिप पे लगाने से पहले जो हमारा राइल स्टोव होता है राइल स्टोव को हम लोग यहाँ पे लॉक करना है, लॉक करके तभी जो हमारा टिप को ओपन करना है, ओपन करके हमारा जो 50 cc सीरिंज ले उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद हमने जो प्लेन वाटर लिया है, प्लेन वाटर से यहाँ पे हम लोग 5 ml हो या 10 ml एटलीस्ट यहाँ पे पेशेंट को फीडिंग देना है, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग जब यहाँ पे अभी भी लॉक है मेरा, तो इसलिए जो हमारा वाटर है वो यहाँ पे अटका हुआ है, तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ से छोड़ देंगे, छोड़ देने से वो धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पे 5 ml से थोड़ा नीचे नीचे पहले फिर से लॉक करना है, जो हमारा जो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखो वाटर यहाँ पे बचा हुआ है, तो वाटर को पूरा पूरी कम्प्लीटली हम लोग पेशेंट को नहीं देना है, देने से यहाँ तो ऑलरेडी खुला हुआ है तो वो यार कम्प्लीटली फिर से यहाँ पे चला जाएगा, तो इतना देर से हम लोग जो लॉक अनलॉक कर रहे हो वो कम्प्लीटली वेस्ट पे जाएगा। तो इसलिए जो भी 5 ml है उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे जो किडनी रहे उसको हम लोग यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो जूस लिया है अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन उसी जूस को हम लोग यहाँ पे देना है, यहाँ पे हमने 100 ml जूस यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे धीरे धीरे करके इसी जूस को पहले 50 ml देंगे, उसके बाद हम लोग 50 ml दे के 100 ml दे देंगे। यहाँ पे 50 ml हमने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे मेरा लॉक है इसलिए वो नहीं जा रहा है, यहाँ पे अभी भी अटका हुआ है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे छोड़ देंगे। छोड़ने के टाइम पे वो धीरे धीरे नीचे यहाँ पे जाएंगे ग्रेविटी के फोर्स के मतलब से, यहाँ पे उसको ये देखो जाने के बाद जाते जाते यहाँ पे जो थोड़ा सा 2.5 होगा तब हम लोग यहाँ पे बॉन्ड करना है, लॉक कर देना है ताकि वो पूरा जाएगा तभी तो एयर पास हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है उसको लॉक करके हम लोग जो 50 ml है उसको फिर से यहाँ पे हम लोग डाल देना है। यहाँ पे हमारा जूस फिर से जाएगा धीरे धीरे करके, यहाँ पे लॉक कर दिया, खोल के जाना है, यहाँ पे देख सकते धीरे धीरे करके जा रहा है, वो खत्म होने से पहले हम लोग को लॉक कर देना है ताकि वो यार पास ना हो फिर से। ये देखो हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत है, उसको हम लोग फिर से किडनी ट्रे पे डाल देना है। डाल के नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, हमारा जो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमारा जूस होता है वो यहाँ पे कभी कभी फंसा हुआ होता है, अटका हुआ होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए फिर से हम लोग क्या करना है प्लेन वाटर पेशेंट को देना है। यहाँ पे हम लोगों ने 15 ml प्लेन वाटर लिया है, प्लेन वाटर को हम लोग फिर से दे देंगे ताकि कम्प्लीटली क्लीन हो जाए। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे हम लोग प्लेन वाटर नहीं देने से वो कभी कभी जूस होता है, कभी कभी वो सप्लीमेंट होता है जो डॉक्टर एडवाइस दे अकॉर्डिंग टू, और उसके बाद कभी कभी जो मेडिसिन होता है वो यहाँ पे अटका रहता है। हम लोग कभी ध्यान पे रखना है, कभी कभी जो भी हो जो डाइटिशियन हो या उसके बाद सप्लीमेंट हो या मेडिसिन हो कम्प्लीटली देने के बाद फिर से हम लोग क्या करना लास्ट पे प्लेन वाटर दे के उसको हम लोग पेशेंट को यहाँ पे क्लीन करना है। यहाँ पे दे सकते हो प्लेन वाटर चल रहा है, और उसके बाद ख़त्म होने से पहले फिर से यहाँ पे हम लोग उसको लॉक करना है, ये यहाँ पे लॉक करना है, लॉक करके तभी जो हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत वाटर बचा हुआ है उसको हम लोग किडनी ट्रे पे डालना है। डाल के इसी सीरिंज को हम लोग अच्छे से खोलना है, ध्यान से खोलने के बाद यहाँ पे फिर से उसको लॉक करके देना है। लॉक करके दे के उसी जगह पे हमारा जो राइल स्ट्यूब है उसी जगह पे हम लोग प्लेस करना है। ओके, हमने यहाँ पे पेशेंट को फीडिंग दे दिया है, हमने उसके बाद पेशेंट को अच्छे से पूछना है कि आप कंफर्टेबल हो या वोमिटिंग फील आ रहा है, या पेशेंट को कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो या पेशेंट को कुछ भी दिखाई देता है, कभी कभी वोमिटिंग फील होता है, वोमिटिंग आ जाता है, तो उसी टाइम पे क्या करना है हम लोग जो हमारा सीनियर है फिजिशियन है उसको हम लोग क्या करना है इन्फॉर्म करना है उसी प्रोसेस के बारे में कि हमने पेशेंट को फीडिंग दिया है, अभी पेशेंट का एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रहा है, तो उसी प्रोसेस के बारे में हम लोग क्या होता है हमारा जो सीनियर होता है या जो फिजिशियन होता है उन लोग का हम लोग इन्फॉर्म करना है उसी प्रोसेस के बारे में।
पेशेंट को फीडिंग देने के बाद उसको हम लोग साथ ही साथ पेशेंट को सुपन या पेशेंट को लेता के नहीं रखना है, उसको थोड़ा देर हम लोग पेशेंट को 20 to 30 मिनट पेशेंट को हम लोग ऐसे पोजिशन पर रखेंगे ताकि वो जो हमारा फूड होता है वो अच्छे से थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव हो जाए, कम्प्लीटली वो स्टोमक पे पहुँच जाए, ताकि नहीं तो हम लोग कम्प्लीट देने से फिर भी यहाँ पे एस्पिरेट हो सकता है जो हमारा रॉयल स्टूप से, तो उसी को भी हम लोग ध्यान पे रखना है। तो हमने कम्प्लीटली प्रोसेस करने के बाद जो भी आर्टिकल यहाँ पे हमने यूज़ किया है उसी आर्टिकल को नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से क्लीन करके रखना है। जो भी हमने यूज़ किया है उसको हम लोग अच्छे से अपने जगह पे क्लीन करके उसको वॉश करके स्टेराइल करके स्टेराइल वे से मैंडेटरी करके हम लोग रखना है। एंड हमें और भी एक चीज़ ध्यान रखना है, हमने जो अभी नेसोसिटी ट्यूब फीडिंग दिया उसी पेशेंट को, तो उसी के बारे में हम लोग कम्प्लीटली इनपुट आउटपुट साथ मेंटेन करना है। एंड इनपुट आउटपुट सर कैसे मेंटेन किया जाता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। इनपुट आउटपुट सर मैंडेटरी है या किसी भी पेशेंट पे हो, या आप होम केयर पे जाते हो या हॉस्पिटल पे जाते हो, आईसीयू पे हो, एनआईसीयू पे, जहाँ पे जाते हो आप, क्या होता है इनपुट आउटपुट सर मैंडेटरी है। तो उसी इनपुट आउटपुट सर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कैसे इनपुट आउटपुट सर मेंटेन करता है। तो उसी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको थ्योरी के साथ साथ एज वेल एज प्रैक्टिकल के भी हर वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। आज का वीडियो यही तक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।